हसनैन करीमैन वह ने कि जिन्हों की गुलामी तो हज़रत उमर फारूक भी नाश करते हैं। एक दफ़ा आपने फरमाया हज़रत इब्ने उमर को फरमाया कि ऐ इब्ने उमर तू ही साडा गुलाम है और तेरा बाप भी साडा गुलाम है। बेटे को गल चंगी नहीं लगी कि मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है और ये कह रहे हैं कि साडा गुलाम है। शिकायत लगाई, आपने फरमाया कि वाकई ही उन्होंने इवें फरमाया है। अर्ज कहते हैं जी बाबा जी, इन जी उन्होंने कहा कि तू ही साडा गुलाम है, तेरा बाप भी साडा गुलाम है। फरमाया कि जै परची लै लिखवा के लाया और जो चलन लगे फरमाया ठहर मैं भी तेरे नाल जाना वा। साथ गए ने अदब आदाब बजा ला के अर्ज की क्या तुसा फरमाया कि साडे गुलाम हाँ। फरमाया हाँ तुसा साडे गुलाम हो। फरमाया फिर लिख दो। आपने लिख दिता कि उमर साडा गुलाम है। दीगर सहाबा कराम जड़े मौजूद सन फरमाया कि तुसी इत्थे सहन करदे हो कि तुहाडे सामने मौला हसन ने मैनू लिख के दिता है कि उमर साडा गुलाम है। उन्होंने सहन कर दिते। अब चलद्या चलद्या ये जिहड़ी खबर है मौला अली दे कोल चली गई। सैयदना अली अल मुर्तदा शेरे खुदा करामुल्लाह वजीहुल करीम जिस वक्त आप पता चलिया तो आप मस्जिद में तशरीफ लाए। फरमाया कि उमर क्या सुन रहा वा। फरमाया कि हजूर थोड़े साहबजादगान ने फरमाया कि उमर साडा गुलाम है, मैं लिखवा लिया है। फरमाया लिखवा के की करेगा। अर्ज की कि मैं वसीयत कर लगा वा जो मरा मेरे कफन में लिख देना एक पर्ची रख देना जिंदे उत्ते लिखिया होगा कि उमर हसनैन का गुलाम है। और मैनू ईमान है कि यह जिहड़ी पर्ची है ये अल्लाह ताला की बारगाह में मैनू बचा लेगी, मेरे वास्ते अमान बन जाएगी।